नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो पब्लिक सब जानती है में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आज का जो पब्लिक सब जानती है का मुद्दा है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि नथुराम गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के दिए बयान के बाद अब सियासी भूचाल आ गया था। अब एनडीए के साथी नीतीश कुमार ने भी साध्वी प्रज्ञा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। प्रज्ञा ठाकुर पर नीतीश कुमार ने वार करते हुए कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर निकाले जाने पर बीजेपी को विचार करना चाहिए। इस तरीके की बात कही गई थी और पब्लिक सब जानती है मैं आज यही हमारा मुद्दा है। इसी को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर हमने जाना कि आखिर पब्लिक को क्या लगता है इस मसले को लेकर। क्या सच में साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया नथुराम गोडसे को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, क्या उस बयान को लेकर उन्हें बीजेपी की ओर से पार्टी से जो निकालने पर विचार करना चाहिए या फिर नहीं, इसे लेकर जनता के बीच हम गए। जानने की कोशिश हमने की जनता को क्या लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की तरफ से भी तमाम चीज़ें कही गई। हालांकि वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन है उनका, जनता दल के बड़े नेता हैं वो, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दोनों के बीच जो गठबंधन है उसका असर कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा के इस बयान की वजह से अब पड़ रहा है। और कहा गया है कि बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह सुनवाते हैं कि आखिरकार साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा क्या कहा कि नीतीश कुमार को इस पर यह कहना पड़ा कि बीजेपी से बाहर निकालने के लिए साध्वी प्रज्ञा पर विचार किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा था ऐसा साध्वी प्रज्ञा ने। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। तो नथुराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था और जिन्हें लेकर सवाल पहले भी उठ चुके हैं, एक बार फिर से सवाल उठे। और अब जब साध्वी प्रज्ञा ने कहा तो साध्वी प्रज्ञा का ये कहना था कि वो देशभक्त थे, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया गया नीतीश कुमार की ओर से। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बात कह दी कि बीजेपी को उन्हें पार्टी से बाहर निकालने पर सोचना चाहिए, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। भोपाल से उम्मीदवार हैं साध्वी प्रज्ञा और चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव उन्होंने लड़ा है, अब नतीजा क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आतंकवाद की आरोपी भी है कि आतंकवाद को लेकर आरोप उन पर लग चुके हैं और उसके बाद वो जेल रहकर आई हैं, बाहर आई हैं अब, तो उसके बाद जो अब सवाल उठ रहे हैं उन्हें लेकर, पहले भी कई सवाल उठे उनके बयानों को लेकर, पहले भी और कई विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए, लेकिन अभी की अगर बात की जाए नीतीश कुमार ने सवाल उठाए हैं और पार्टी को क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा नीतीश कुमार ने। ये देश बापू राष्ट्रपिता और कोई गोडसे के बारे में कोई इस तरह की बात करेगा तो पूरे देश में किसी भी व्यक्ति, बीजेपी पार्टी से निकाल क्यों नहीं रही उनको, केवल माफी मंगवा रही है, इसका नुकसान अंदरूनी मामला है। लेकिन जहां तक सवाल है देश का या हम लोगों की सोच का सवाल है, प्रश्न ही नहीं पैदा होता इस तरह की बात को हम लोग कोई पार्टी का तो अंदरूनी मामला है। कहते हैं कि सांप्रदायिकता से नहीं कोई समझौता करेंगे, लेकिन इस तरह के सांप्रदायिक लोग रहेंगे तो कैसे होगा। स्पष्ट तौर पर कह दिया है, लेकिन माफी मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति क्या बोला तो उस पर रिएक्शन देना, एक्शन लेना पार्टी का काम, लेकिन जहां तक किसी भी व्यक्ति का इस तरह का विचार है ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किए, भ्रष्टाचार से आप समझौता नहीं किए, लेकिन इस तरह की बातें जो कह रही हैं, आपको नहीं लगता है कि ये सांप्रदायिकता से समझौता है? भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, अपराध से कोई समझौता नहीं, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, और सांप्रदायिकता से कोई उससे समझौता नहीं हो रहा है। ठाकुर जैसे लोग, गिरिराज सिंह लोग कह रहे हैं, ये तीन चीजों से हम, अगर कोई सब कब्र चाहिए तो आपको वंदे मातरम कहना होगा। क्या लेना देना, इसका हम लोगों की राय बहुत स्पष्ट है।
तो सुना आपने अभी नीतीश कुमार को जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें पार्टी से निकालना है बाहर या नहीं निकालना है या उन पर कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, ये पार्टी का विषय है, ये कहा गया नीतीश कुमार की ओर से। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के किसी भी नेता की ओर से की जाएगी तो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जनता दल। और गठबंधन हालांकि उनका बीजेपी के साथ है लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की बयानबाजी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा। ऐसे में खबरें अभी तक में देश की जनता से ये सवाल पूछा कि गोडसे पर प्रज्ञा का बयान क्या गलत था, क्या जनता को भी ये लगता है, क्या पब्लिक को भी ये लगता है, क्या प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, ये सवाल पूछे गए जनता के बीच जाकर। सर्वे करवाया, ये खास सर्वे बुलेटिन है, तो इस बुलेटिन से पहले जो है सर्वे कराया गया कि जनता को क्या लगता है, पब्लिक को क्या लगता है। और आज के सर्वे में जानते हैं जनता की राय, सबसे पहले रुक कर लेते हैं कि आखिर जनता को क्या लगता है, सुनते हैं क्या कहती है पब्लिक इस मुद्दे पर। प्रज्ञा ठाकुर ने जो गोडसे के पक्ष में बयान दिया था वो निश्चित ही बहुत निंदनीय है। प्रधानमंत्री भी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, इसलिए प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी को जल्द से जल्द बाहर कर देना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी से बाहर निकालना चाहिए क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया है वो गलत है, उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये तो करनी चाहिए लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सत्ता में होने के बाद वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो कब करेंगे। मोदी जी अपना बढ़ावा अपना वो करते हैं लेकिन जनता को नहीं देखते हैं। और इस तरह से उन्होंने गांधी जी को बोला, गांधी जी इतने पुराने हैं, सारी जनता जानती है, सब लोग जानते हैं, पहले के जो हैं सत्य इंसान थे वो गांधी जी थे, एक भगवान के रूप में हम उनको मानते हैं, आज ही मानते हैं, उनका उनका पूजा करते हैं। लेकिन आप बीजेपी जो भाजपा लोग हैं वो नहीं मानते तो आप उनके उसमें तो हम बोल नहीं सकते, और जैसे सोचेंगे ऐसा करेंगे। कार्रवाई तो होनी चाहिए लेकिन ये बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में कुछ बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बीजेपी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। अब इसके प्रतिज्ञा ठाकुर को जैसे जो हमारे उन्होंने टिकट दिया है और काफ़ी विवादित बात भी वो करती आई हैं अभी तक, इसके बारे में बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। मोदी जी भी कहते हैं मेरे को जो बात दिल में चुभती है, और मोदी जी समय बीजेपी पार्टी के सर्वे सर्वा और बहुत ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। ये तो उनका जो ये हमारी बीजेपी सरकार है सत्ता में होते हुए भी अगर इस तरह का कदम वो नहीं उठा रही है तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, और ये हमारी पूरी जनता की मांग है कि इस तरह का उसको मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुना आपने पब्लिक को, कहीं ना कहीं पब्लिक को भी लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि साध्वी प्रज्ञा जिस तरीके की बयानबाजी करती है, जिस तरीके की बातें उनकी ओर से कही जाती है, वो बातें कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल हो और विपक्ष जो है निशाना साधे बीजेपी पर। बीजेपी पर पहले भी निशाना साध चुका है विपक्ष सिर्फ साध्वी प्रज्ञा को लेकर। पहले तो विपक्ष का ये कहना था कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट ही नहीं देना चाहिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से उन्हें भोपाल से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया सांसद के लिए, और लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान भी खूब हंगामा हुआ, अलग अलग तरीके की बयानबाजी की गई हर एक पार्टी के नेता की ओर से विपक्ष की अगर बात की जाए। लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि जनता दल की अगर बात कर ली जाए, अब बीजेपी के जो अपने सहयोगी दल हैं जो बीजेपी के साथी हैं वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि नीतीश कुमार ने कहा। और नीतीश कुमार ने साफ ये कहा कि इस तरीके से अगर बयानबाजी की जाएगी पार्टी के नेताओं की ओर से तो बीजेपी को विचार करना चाहिए उन्हें पार्टी से बाहर निकालने पर। और जनता की राय जो अभी हमने सुनी उसमें भी कहीं ना कहीं जनता ये कहती नजर आई कि अगर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाएगा जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए साध्वी प्रज्ञा की तो आतंकवाद के कई बार आरोप उन पर लग चुके हैं, और जिनके बाद हालांकि निर्दोष उन्हें साबित किया गया, जेल में रहकर वो आई और आरोपी थी वो आतंकवाद को लेकर, लेकिन हिंदू आतंकवाद को लेकर तमाम सवाल जो है साध्वी प्रज्ञा को लेकर उठाए गए थे। लेकिन अगर बात की जाए अब नीतीश कुमार के इस बयान की तो उनके इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, पब्लिक को क्या लगता है, ये जानने की हमने कोशिश की। आइए कुछ और लोगों की राय सुनते हैं और जानते हैं क्या लगता है पब्लिक को इस बयानबाजी को लेकर। अखबार में डेली पढ़ रहे हैं कि इस तरह का कुछ ना कुछ वो बयानबाजी करती रहती है और कुछ ना कुछ गलत बोलती रहती है, तो पार्टी को जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। और जिस तरह की एक राष्ट्रपिता के लिए उन्होंने बात कही है तो पार्टी को उसी वक्त इनको हटा देना क्योंकि वो राष्ट्र के पिता थे। प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को
जो देशभक्त करार दिया है, नितांत गलत बयान है उनका, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने टोटल एक बुरा बयान दिया है जो देश के हित में नहीं है, देश के लोगों के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चाहिए कि प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, यही उनकी नैतिकता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी तरह से ओछी राजनीति करने वालों के लोगों को जगा देते हैं। कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये हत्यारा देशभक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने का नाम है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता को का नाम है गोली मारी है, उसको मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर पे कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि गोडसे एक हत्यारा है, कि उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, जिसके द्वारा हमारे जो महात्मा गांधी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो इस दुनिया से चले गए उनकी वजह से। इस वजह से उनको इस कार्रवाई करनी चाहिए और उनको दोबारा जेल में डालना चाहिए, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। महात्मा गांधी की जो है हत्या की थी, और हत्या करना एक जुर्म है और जो है गलत है, मतलब ये उनको जो है घोषित करना के साथ जो है कि वो देशभक्त थे। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, वो अभी पार्टी में नहीं आई है प्रज्ञा ठाकुर, और उन्होंने बहुत कुछ सहन भी किया है अपने ऊपर, क्योंकि बहुत साल उन पर मालेगांव के ऊपर उनको अरेस्ट रही थी। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार उनको मौका ज़रूर देना चाहिए, ये नहीं कि किसी के कहने से उनको मतलब पार्टी से निकाल दिया जाए। देखो भैया, प्रज्ञा ठाकुर अभी राजनीति में नहीं है, उसने कोई ऐसा बयान दे दिया उससे कोई वो नहीं होता, लेकिन यार और भी तो बहुत बयान दे रहे हैं, अभी वो नहीं है, उसे पार्टी में अभी रहने दो, वो बाद का इशू होगा नहीं होगा। अब एक से एक बड़े बड़े धरिंदर बैठे भाई, वो देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है अभी इसमें। देखिए जी, मेरा तो ये मानना है कि चलिए जो भी हुआ तो गलत, मतलब कि है जो बयानबाजी हो तो गलत है ही, लेकिन मेरा मानना है कि उनको पार्टी से निकालना नहीं चाहिए। तो सुना आपने पब्लिक को, कहीं ना कहीं पब्लिक को ये लगता है कि गोडसे जो कि एक हत्यारे थे, और एक हत्यारा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, इस तरीके की बातें कहते अभी लोग नजर आए। आपने अभी सुना, कुछ लोगों को ये लगता है कि इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि देशभक्त एक हत्यारा कभी नहीं हो सकता। जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी वो कभी भी एक देशभक्त नहीं हो सकता। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद और भी लोगों की बात आपको सुनवाएंगे, उन्हें क्या लगता है, पब्लिक की बाइट्स आपको सुनवाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जो नीतीश कुमार ने बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर, साध्वी प्रज्ञा ने जो बात कही कि नथुराम गोडसे जो है देशभक्त हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नथुराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं वो जरा अपने गिरेबान बिछा के, इस तरीके की बात जो है उनकी ओर से कही गई। और उसके बाद नीतीश कुमार ने बयान दिया कि पार्टी को उन्हें पार्टी से बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ और लोगों की राय सुनेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है पब्लिक को इस बयानबाजी के बाद, साध्वी प्रज्ञा को क्या पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए, जो सवाल हमने पूछे पब्लिक से उसे लेकर पब्लिक को क्या लगता है, आइए सुनते हैं। ये बिल्कुल, वो तो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके खिलाफ गलत बात नहीं करनी चाहिए, और गोडसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, और इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल जी, जहाँ तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का प्रश्न है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जहाँ तक महात्मा गांधी के मर्डर की या मिस्ट्री की जो भी सवाल है, पता जो भी है, वो महात्मा गांधी को हम लोग एक देश के बच्चे और भविष्य में, वर्तमान में, भूत में, हम लोग उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और हमेशा उनका रिस्पेक्टेबल है, वो रिस्पेक्ट होती रहेगी। अगर उनके बारे में कोई ऐसा बयान देता है कि नाथुराम गोडसे ये थे, राष्ट्रहित में उन्होंने ठीक किया, तो मेरे हिसाब से ये बयान एकदम अनात्म है और इस पर होनी चाहिए कार्रवाई। बीजेपी को तो वास्तव में अगर सिद्धांतवादी होगी तो उसे अपने पार्टी से प्रज्ञा ठाकुर को निकाल देना चाहिए, किसी के कहने और सुनने की बात ही नहीं है। अगर वो गांधी को मानती है तो प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई जरूरी है। मैं नीतीश जी से सहमत हूँ, उन्होंने सही सवाल उठाया है, उन्होंने जो कहा कि निकाल देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वो एनडीए में रहते हुए भी इतना डेयर की है कि गांधी जी को कम से कम जो हत्यारे को देशभक्त कह रहा है, और वो बीजेपी में बना हुआ, बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी पार्टी करती है, तो उसकी इस दावे पर सवाल उठता है, लिहाजा बीजेपी को स्वयं को बचाने के लिए नीतीश कुमार के सुझाव को मानना चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर का रास्ता निकालना।
तो सुना आपने, लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की बयानबाजी वो करती हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले को उन्होंने राष्ट्रभक्त कहा है, तो राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? ये अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। अगर उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है तो लाजमी है कि देश में इस तरीके के सवाल उठे, और अगर नीतीश कुमार ने ये सवाल उठाए हैं तो पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। क्या आपको भी प्रज्ञा का बयान गलत लगता था? क्या आपको भी लगता है कि प्रज्ञा ने गलत बयान दिया और उसके बाद अब नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है? पार्टी को विचार करना चाहिए उन्हें पार्टी से बाहर निकालने पर, और जो टिकट उन्हें दिया गया है, जो उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है भोपाल से, उसे लेकर भी पहले ही विचार किए जाने की सवाल उठे थे, यानी कि बीजेपी पर पहले से ही सवाल उठे थे कि उन्हें एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। टिकट देने के बाद उनके टिकट को छीनने के भी दोबारा से जो है सवाल उठे थे, और कहा गया था कि उनका टिकट काट देना चाहिए और दोबारा अब उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए, इस तरीके के सवाल भी उठे थे। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उस बयान को आप कितना सही मानते हैं, ये हमने जनता के बीच जाकर पूछा, जनता की राय हमने जानी और पब्लिक की राय हमने जानी और जानना चाहा कि पब्लिक को क्या लगता है इस बारे में। जब दोबारा हम जनता के बीच गए तो कुछ और लोगों की राय हमने जानी, क्या कहना था लोगों को, आइए सुनते हैं। जिस हिसाब से गोडसे को उन्होंने देशभक्त कहा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक गोडसे के बारे में, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गोडसे एक हत्यारे किस्म के आदमी जाने जाते हैं। गांधी के ऊपर, गांधी का हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था, और जब किसी हत्यारे को आप देशभक्त कहते हैं तो उसके आरोप में आप भी शामिल हैं। आप उनके जो आरोप है उसमें आप भी शामिल है। तो जो किसी भी इंसान के गलत कार्यों के समर्थन देता है तो वो भी आरोपी हुआ। तो हमारे हिसाब से अगर प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पे कार्रवाई करने की बात की है, तो सर्वप्रथम प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर निकलना चाहिए, और हमारे देश में ऐसे राजनेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है जो एक हत्यारे को हमारा देशभक्त। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी से उनको बाहर निकाल देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी अफसोस जाहिर किया है इस बात पर कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया हुआ है वो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। उनको उसी दिन उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए थी, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मन से हम नहीं माफ कर सकते, आवश्यक कार्रवाई में इसको पार्टी से निकाल के देश विद्रोह का मुकदमा जो है कायम करना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह का आतंकवादी या देशद्रोही ज्ञान न हो। ऐसे व्यक्ति को तो देशभक्त के विरोध में काम करता है, देश के विरोध में काम करता है, पार्टी में रहने का हक तो नहीं सोता। अब ये पार्टी संगठन का काम है कि उसे रखती है या निकालती है। तो सुना आपने, एक बार फिर से लोगों का यही कहना था कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, यानी कि साध्वी प्रज्ञा ने जो बयानबाजी की उन्होंने राष्ट्रपिता के हत्यारे को देशभक्त कहा। तो जनता का ये कहना था कि ऐसे राजनेताओं की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो हमारे राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले को देशभक्त कहते हैं। और साध्वी, कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि साध्वी प्रज्ञा को जेल से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए, जैसे कि वो पहले जेल में थी तो उन्हें दोबारा से जेल में डाल देना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बीजेपी पार्टी से उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, सबसे पहले पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। और तमाम तरह की बातें जो है हमने सुनी, और जनता को क्या लगता है वो भी हमने सुना। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कार्रवाई उन पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी वो राजनीति में नहीं है, अभी उन्हें बोलने का पता नहीं है किस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। तो ये भी एक वजह रही कि लोगों को ये लगता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते नजर आए कि कार्रवाई होनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा पर। कुछ और लोगों की राय सुनते हैं, पब्लिक क्या कहती है। देखिए, हमारा निजी रहती है जो कि वो जो बोले उसके ऊपर वो गलती मान ली है, अब उनके ऊपर तो कोई विवाद होनी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार की राय ये है जो कि वो अपनी सियासत कर रहे हैं अपने लिए। भाई उस टाइम की परिस्थिति को देखते हुए देशभक्ति होंगे वो, जब उसने गलत किया तभी गोली मारी, वरना कौन किसने गोली मारता है। उस टाइम उसने कुछ गलत किया, उसके मृतक की कोई काम गलत है ही गलत है, तो साथ भी पर कितना सही कहा गलत किया है। तो ये क्या उनको माफ करना चाहिए, हमारी यही राय करना चाहिए, नहीं निकालना नहीं चाहिए, इसको लेना चाहिए बेचारी को, इसकी क्या दिक्कत है। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नीतीश कुमार ने गलत कहा है क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो गलत है, कार्य जिसका अच्छा होता है इल्ज़ाम उसी पे लगता है।
ठीक है, और प्रज्ञा ठाकुर जी पे कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कार्य देखे हैं मैंने भाजपा के, है ना, मोदी के भी कार्य देखे हैं, ठीक है, और जो आरोप है ये गलत आरोप है, उनको पार्टी से बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। तो अभी आपने उन लोगों को सुना जिन्हें लगता है कि प्रज्ञा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी तो कुछ वजह होगी इसके पीछे, यानी कि राष्ट्रभक्त वो थे। जनता ने भी माना, एक जगह पर एक व्यक्ति ने ये माना। और अब रिजल्ट आपको दिखाते हैं, इस पूरे सर्वे का रिजल्ट क्या रहा वो आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कितने प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्हें लगता है कि प्रज्ञा पर कार्रवाई होनी चाहिए। 74% लोगों का कहना था कि प्रज्ञा पर कार्रवाई होनी चाहिए और 26% लोग ऐसे थे जिन्हें लगता है कि साध्वी प्रज्ञा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और 74% लोग जो हैं साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में हैं और 26% लोग जो हैं नीतीश कुमार के पक्ष में। उन्हें ये लगता है कि नीतीश कुमार ने जो बयानबाजी की कि पार्टी से बाहर निकाला जाए ये बिल्कुल गलत है, और 26% लोगों को ये लगता है कि उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। तो 74% लोगों को ये लगता है कि प्रज्ञा पर कार्रवाई होनी चाहिए और 26% लोगों को ये लगता है कि प्रज्ञा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार की बात को वो गलत साबित करना चाहते हैं। 26% लोग, उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार ने जो बात कही, नीतीश कुमार ने जो सवाल उठाया कि बीजेपी को उन्हें पार्टी से बाहर निकालने पर विचार करना चाहिए, ये वो 26% लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि नीतीश कुमार का सवाल उठाना गलत है। लेकिन 74% लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया प्रज्ञा पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रज्ञा को पार्टी से बाहर निकालने पर बीजेपी को विचार करना चाहिए, इस बयान का समर्थन किया है 74% लोगों ने, यानी कि प्रज्ञा पर कार्रवाई होनी चाहिए। 74% लोग ऐसा मानते हैं और 26% लोग वो हैं जिन्हें लगता है प्रज्ञा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी वो पार्टी में नई आई हैं। तो ये खास सर्वे बुलेटिन आपने देखा और रिजल्ट भी हमने आपको दिखाया, और इस रिजल्ट को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा आंकड़ा जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि प्रज्ञा पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरीके की बयानबाजी उनकी ओर से की गई है, ऐसे राजनेताओं की देश को कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल पब्लिक सब जानती है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।